Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बराए मेहरबानी इतना तो तनाव फरमा दीजिए। नहीं आप तो ये बात खत्म फरमाए। टॉवल नहीं तनाव। हाँ वो आप तो ये बात सूप तनाव फरमाए। क्या हुआ? सूप तनाव नहीं नोश फरमाते। लंदन में तनाव ही फरमाते हैं। ओके ए ए ए ए एक सेकंड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ नहीं खाना। चलिए हमारे अल्फाज को अपनी समाज से टकराने का मौका तो दीजिए। बहुत टच है वो मेरी समाज को अपने अल्फाज से टकराएगा। अब क्या हुआ? समाज अल्फाज से नहीं, अल्फाज समाज से टकराते। Whatever. Whatever को उर्दू में क्या कहते हैं? Whatever. इसका क्या मतलब होता है? Don't touch me. मैं कहाँ छू रही हूँ आपको? Don't touch me again. मैं नहीं छू आपको। Don't touch me. जुनी. You made him run away. जुनी. जुनी. छोटू मैन पप्पू जानी पप्पू जानी पप्पू जानी पप्पू जानी। अरे क्या है ये रही मैं पप्पू जानी। देख रही हैं आप? देख रही हैं हम जो कुछ करते हैं अलीज़े हू बहू वही करती है। यहाँ तक कि अल्फाज तक हमारे चुराने लगी है वो। ये साजिद की चाल है जरूर, लेकिन तुम भी फिक्र मत करो, मैं अभी भाईजान को फोन करके बुलवाती हूँ यहाँ पे। इन दोनों मामू भांजी को ना वही आके संभालेंगे। आओ अब इतनी जोर से भी मुक्का नहीं मारा था कि हफ्ता बिस्तर पे पड़ा रहता। I'm sorry. मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। But you know what? तुम्हारा मुक्का मुझे बहुत क्यूट लगा। इतनी मोहब्बत से जो मारा। मुझे लगा कि मेरी शादी मुनज़्ज़ा से सचमुच हो गई। नहीं हुई। तुम भी ना। अंदर आने को नहीं कहूँगी। प्लीज यार, घर में बहुत खर्चा काम है। इन दोनों हसीनाओं ने मेरी जिंदगी को हराम करके रखी है। आने देना। ओह यस। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। वही कर रहा हूँ। यहाँ नहीं, अपने कमरे में जाकर। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ, बल्कि मुनज़्ज़ा की लैंग्वेज में समझाता हूँ। दरअसल मेरी ख्वाबगाह में दो अदद हसीनाओं ने, जो कि जंगली किस्म की हैं, कब्जा जमाया हुआ है। वो इसी जाफिशानी से अमल को जारी रखते हुए मुझे कमोबेश दो हिस्सों में तकसीम करने का मार्का तो सरंजाम देकर ही छोड़े। मुनज़्ज़ा ऐसे बोलती है। बस तुम इसी तरह हंसती रहो। मैं तुम्हें देखता रहूं। और आती सोया ही नहीं। क्या कर रहे थे? बस तुम्हें देखा। चाय पियोगी? अभी लेकर आया। Oh
अरे भाई अब क्या कयामत आ गई इस घर में मामू। अरे खूबसूरत मामे का खूबसूरत प्रेमाय तेरा वो इधर लागे गले हो। जुनेद बेटा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मैं यहीं से बस ऐसे ही। और निकी मादन बाग पे क्या होगा ये क्यों पता रहे? जी 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 जी। और सुना फिर क्या हो रहा है? क्या सुनाऊं फिलहाल तो सुन ही रहे हैं आपके। अब भाईजान कंट्रोल कंट्रोल। इतना कंट्रोल ठीक है निकी? जी बेटर है। मामा प्लीज एक कप चाय मिल सकती है? और क्यों नहीं पुत्र, इसे अपना घर ही समझ। सब ठीक है ना पुत्र? जी हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ ठीक ही था। तो फिर क्या हुआ भाई? फिर आप आ गए। देखा ना निकी? भाईजान मजाकिया है ना, ऐसे मजाक कर रहे हैं आपसे। मेरा मखौलिया भांजा। क्या समझती है, सिर्फ उसका भाई आ सकता है यहाँ? मैं भी अपनी बहन को बुलाता हूँ। अरे अब इन साहब के मन में क्या चल रहा है? अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? कहीं इस मुसीबत का नाम जूबी फुप्पो तो नहीं? लो जी ये भी पहुंच गई। और हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? और सारी जिंदगी हो गई है साजन भाई, अल्लाह की कसम पहली बार ऐसा इल्जाम लगा और वो भी उम्र के इस हिस्से में। और मैं तो कभी इनकार नहीं करूंगा इसे। तू इनकार नहीं करेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। देखिए भाई मैंने तो फैसला कर लिया है कि हमारे जुनेद की शादी मुनज्जर से होगी। क्यों कैसे? और छोड़े पाजी, मगर क्यों कैसे? और निकी जब एक बात तय करती है ना तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनती। हेलो एवरीवन। लो भाई। अब बताओ आ गई है मेरी जुबैदा, अब मैं देखता हूँ कैसे होते हैं यकतरफा फैसले। इसे भी अभी आना था। काश पहले आ गई होती। Hi, I'm Zubi from London. Myself, Riyaz Malik from Lahore जी। मलिक रियाज, बट उनकी शक्ल तो। ओ मलिक रियाज नहीं जी, रियाज मलिक। फुफो आप यहाँ आइए बैठिए। भाभी ये कितने के सोफे लिए आपने? अच्छे हैं, पाउंड्स में बताइएगा। है? और देखिए और कराची में सोफे तोल के मिलते हैं, और कराची शहर की भी निराली बातें हैं भाई। मैं उस वाले वजन की बात नहीं कर रही थी, ब्रिटिश पाउंड्स की बात कर रही थी। भाईजान कंट्रोल। कंट्रोल। अब तुम्हें यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। क्यों, तुमने घर में क्या बताया? यही कि एनेक्सी मैंने रेंट पे दे दी ऑफिस वालों को शूटिंग पर्पसेस के लिए, और उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि यहाँ पे कोई ना आए। अगर तुम्हारी मामा आ गई तो? मामा किसी से भी नहीं मिलती, उन्हें लगता है कि मिलने मिलाने से पैसे खर्च होते हैं। और अगर वो अपने बर्तन गिनते गिनते पूरे करने आ गई तो? ना जान गई हो तो मेरी मामा को वैसे। anyway, उनका भी कुछ कर लेते हैं। और तुम्हारे मामू और फूफो? उनका भी अरेंज हो गया। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? जरूर कुछ ना कुछ उल्टा ही सोच रहा होगा, सीधी तरह तो सोच ही नहीं सकता। फूफो, आई एम रियली इंप्रेस्ड। अच्छा? लाइक सीरियसली सीरियसली, आई मीन इस उम्र में इतनी फिटनेस, मुझे लगता ही नहीं कि आप अलीजे की मम्मी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अलीजे आपकी मम्मी है। ओह थैंक यू। तुम्हें पता है मैं
हर महीने 200 पाउंड अपने फिटनेस में खर्च करती हूँ। अब तुमने तारीफ कर दी तो पैसे पूरे। नो वंडर। लेकिन पप्पो वैसे कोई और भी है जो कि आपकी बहुत तारीफ है करता है? ये अपने रियाज मामू। अच्छा मामू। भांजे। अरे मामू, ये पप्पो ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो फिर तो इसकी कीमत भी बताइए उसने पौंडों में। नहीं लेकिन मामू, आप इसे खोल के तो देखें, पप्पो ने भेजा है आपके लिए। ये क्या, चॉकलेटें? चॉकलेटें नहीं मामू, चॉकलेट्स। और इनका क्या करूंगा मैं? इसको आप खाइएगा मामू। और इससे तो मेरी दांत ही गीली होनी है। तो साथ पानी भी पी लीजिएगा। इसका मतलब है कि ये किराए पे पानी पी लेना। हेलो। कैसी है जूबी जी? कौन बोल रहा है? ओ मैं बात कर रहा हूँ, हासे से नहीं पहचाना आपने? मलक रियाज। रियाज मलक। रियाज मलक, बट आवाज तो आपकी। अब एक सेकंड। अब ठीक है? अच्छा, किस लिए फोन किया आपने? अरे मैंने सोचा जरा आपसे गपशप लगा ली जाए। देखिए जी, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। ओ मोहब्बत से ज्यादा और कौन सा जरूरी काम हो सकता। क्या क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि फिर से कहें जरा। कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ तो एटलीस्ट देखो, कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। हाँ तो फर्ज करो, अगर उन दोनों में मोहब्बत हो भी गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी बेटियों से तो तुम्हारी शादी नहीं होगी? सर कंफर्म बात है कि नहीं होगी, देखना। यार राइट। लेकिन ये है क्या मोना, बात तो सुनो। बस तुम भी कान खोल के सुन लो, मैंने कह दिया है जुनेद की शादी होगी तो सिर्फ अलीजे से होगी। अच्छा मैं भी देखती हूँ जुनेद की शादी कैसे होती है अलीजे से। जुनेद की शादी होगी तो सिर्फ मुनज़्ज़ा से, बस। जान। अरे क्या हुआ? आपसे मुझे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। वो साजदा भाभी के जो भाई है ना, मलिक रियाज, उन्होंने मुझे छेड़ा है। क्या? अरे झूठ बोल रही है, मेरा भाई क्यों छेड़ेगा इसे? और वैसे भी मेरे भाई का नाम मलिक रियाज नहीं, रियाज मलिक है। कहाँ है रियाज मलिक? मैं देखता हूँ उसकी मजाल, मेरी बहन को छेड़ता है वो साले। सियोनी मेरा माही, मेरे पास जगावण आ गया। मैंने कब छेड़ा आपकी बहन को? झूठ मत बोलो, उसने मुझे खुद बताया कि तुमने उसे छेड़ा है। सच्ची? और हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? और हिम्मत है मर्दा से मदद है खुदा। वैसे कह क्या रही थी, ऐसे छेड़ा? नहीं, इसका मतलब है कि तुमने उसको यकीनन छेड़ा है। हाँ? और सारी जिंदगी हो गई साजद भाई, अल्लाह की कसम पहली बार ऐसा इल्जाम लगा है, और वो भी उम्र के इस हिस्से में। तो मैं तो कभी इनकार नहीं करूंगा इसे। तू इनकार नहीं करेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, मैं आपकी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाथ तेरे तोड़ दूंगा मैं, तूने अगर अगर ये हाथ उठाया तो। Anyway, किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने। मोना। जुनेद की शादी हो रही है क्या? तुमसे किसने कहा? कार्ड आया है, दिखाओ कार्ड। क्या है ये? ये शादी का इनविटेशन कार्ड किसकी है? तुम्हारी। मेरी? तुमने कार्ड भी छुपा लिया? एक सेकंड, रुको। ये लो, ये एक और कार्ड है शादी का मेरी, देखो। दो दो शादियां हो रही है मेरी। दो। Oh!
Oh my God, ये चोट कैसे लगी? इस बार क्या हुआ? आपने अपनी खूबसूरत आवाज में दास्तान महफूज नहीं की फोन पर? चलिए मत बताइए, हम समझ सकते हैं दर्द की शिद्दत आपके बोलने की सलाहियत पर गालिब आ चुकी है, इसीलिए आपके माथे पर इतने सारे बल नुमाया है। आप सब छोड़िए, यखनी पीजिए। ये क्या कर रही हो? यखनी पिला रहे हैं, हमने सोचा आपको उतने में तकलीफ ना हो, इसलिए हमें यखनी ये कतरे डालने वाले। ओहो, ऐसे ड्रॉपर कहते हैं। हम जानते, अगर आप इतनी पढ़ी लिखी तो ये तो बताएं कि ड्रॉपर को उर्दू में क्या कहते हैं। आप लोग प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाएं, प्लीज। जाइए। तुमसे बोला है। आप तशरीफ ले जाइए। तुम्हें बोला है। आपको बोला है। तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। आपको, आपको, आपको। तुम, आप। खुदा का वास्ता, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अजीब तुम। माफ करना जी, आपने सॉरी बोल दिया वरना मैंने थैंक यू कह देना था। आप मुस्कुराती हुई बड़ी प्यारी लगती है। थैंक यू। हाय हाय। आप, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब मैंने पहचाना नहीं तुम्हें, तुम? आप मुझे नहीं जानती, मैं जुनैद की कुलीग हूँ। अच्छा अच्छा, आप कोई काम है तो बताइए। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। मेरा ख्याल है दूल्हे को लाना चाहिए, दूल्हे ने इंतजार करी है ना। क्या ना, अब बात सुनो। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आप? जी जी, बाहर आपकी दुल्हन इंतजार कर रही है, जाइए और तैयार होकर आइए। दुल्हन इंतजार, क्या मतलब? आप प्लीज यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ जी। आप ओके, जल्दी आइएगा। क्या बातें हो रही थी? आप कुछ नहीं, बस तैयार होकर आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम जाओ, मैं ले आऊंगी उसे नीचे। आप ओके। तुम मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रही?
मैंने क्यों नहीं बात की मामा पापा से, मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। इसकी वजह मैं जानती हूँ, तुम अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान सोचते है अभी तो बहुत वक्त है, हो जाएगा, कर लेंगे, मगर होश तब आता है जब सब कुछ हो जाता है। तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ, कसूर तो मेरा है, मैं ही तुम्हें रोकती रही। एनीवे, किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने। मैं मामा और बाबा दोनों से कह दूंगा कि मैंने मुनज़्ज़र अलीज़े किसी से भी शादी नहीं करी। हैं शादी के दिन इनकार करोगे तो और क्या करूं? ऐसा मत करना, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, वक्त बहुत अच्छे फैसले करता है। और मुझे आज से बात कॉन्टेक्ट मत करना। कितने खुश नसीब हैं ये दोनों, आज के दिन ही दोनों एक होने जा रहे हैं। बस एक ही मसला है, दूल्हा दुल्हन दोनों उम्र रसीदा हैं। बड़े उम्र की लोगों की शादी नहीं होती क्या? मर्दों की शादी तो हमने होती देखी है, पर खातून की पहली बार देख रहे हैं। तो जिन मर्दों की होते हुए देखी है वो क्या दरख्तों से शादी करते हैं? भाईजान, भाईजान जी आपकी गैरत को क्या हो गया आखिर? और मेरी कौन सी को बज खोल के ले गया जो मेरी गैरत को खुश होना है? आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के मंगेतर की शादी किसी और लड़की से हो जाए और आप बस देखते रह जाएं? और मैं उस मुंडे को सिद्धा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा है वो मुंडा जुनेद। हाँ भाई वो तो तुम्हारा मुंडा है जुनेद, तो फिर देखिए क्या करूं मैं? क्या करेंगे, जुनेद को छोड़ें और जाकर उसके बाप का इलाज करें। उसके बाप का इलाज नहीं हो सकता, और मैं अगर पुल के पढ़ लिख भी जाता ना ज्यादा से ज्यादा डगर डॉक्टर बनता, और तुम्हारे खसम का इलाज फिर भी नहीं हो सकता था। हाँ हाय भाईजान, आप इतने बड़े हो गए फिर भी बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू ही है बस। बुद्धू तो मैं क्या करूँ भाई? आप ये ले और जाकर साजिद की ईंट से ईंट बजा दे। ठीक है, ईंट से ईंट बजा दूं मैं? जी ठीक है, ऊपर हो जाओ परे हो। जी 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 अब अरे भाईजान, भाईजान जी वो उधर है अंदर। और साजद भाई क्या? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। करो। बात करो, बात क्या है? आपको आज फैसला करना होगा। फैसला? कैसा फैसला? आपने अपनी बहन का रिश्ता देना है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? क्या हुआ, मैंने रिश्ता मांगा को गरम चिमटा नहीं लगा दिया? क्या मांगा है? मैंने ये बताता हूं मैं, गरम चिमटे, रुक जा चिमटे के बच्चा। आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने क्या किया जी? वो आपने मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांग लिया। ओ जी जो कुछ किया है वो तो आपने किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और मैं तो साजिद भाई के पास दो टोक बात करने गया था जुनेद और मुनज़्ज़ा के रिश्ते की, आप पे नजर पड़ी बस जी सब कुछ भूल गया, आप ही याद रहेगी धूनी के पहाड़े की तरह। कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो शर्म आ गई। तो चले फिर सबको बता देते हैं अंदर जाकर। क्या? यही कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मैंने और जुबैदा जी ने फैसला किया है कि जुनेद की शादी मुनज़्ज़ा से नहीं हो सकती। क्यों? और ना ही अलीज़े की। इसलिए? क्योंकि हम ऐसी जगह रिश्ता नहीं करेंगे जिससे हमारे दरमियान गलतफहमी हो सके।
हम अपनी बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। क्यों जोगी जी? रियाज जी, वो दो शादियों की कॉस्ट क्या होगी? रुपयों में बताऊं या पाउंड्स में? चलें हिसाब करते हैं। चल आइए। ये देखा, देखा आपने अपनी बहन को? देख लिया, अपनी बहन को भी और तुम्हारे भाई को भी। जुनेद, जुनेद बेटे, तुम अपना दिल खराब मत करना। खुदा का वास्ता है, अब आप लोग किसी नई बहस में मत पड़ जाइएगा। वो तो बहुत अच्छा हुआ उन्होंने खुद इनकार कर दिया, वरना मैंने इनकार कर देना था। ना ही मैंने मुनज्जा से शादी करनी है और ना ही मैंने अलीजा से शादी करनी है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। किसको? बताने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कभी वो जा रहे, कभी वो जा रहे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये क्या मजाक बनाया है सबने? पता नहीं किसको पसंद करता है। ये सब कुछ ना आपकी बहन की वजह से हुआ है यहाँ। अरे ना तुम्हारा भाई आता ना मैं अपनी बहन को बुलाता। कितने खुश नसीब हैं ये दोनों। आज के दिन ही दोनों एक होने जा रहे हैं। बस एक ही मसला है, दूल्हा दुल्हन दोनों उम्र रसीदा हैं। तो क्या हुआ, बड़े उम्र के लोगों की शादी नहीं होती क्या? नहीं, मर्दों की शादी तो हमने होते देखी है, पर खातून की पहली बार देख रहे हैं। तो जिन मर्दों की होते हुए देखी है वो क्या दरख्तों से शादी करते हैं? देखिए बहन, अब हमें बहस करना जेब नहीं देता, क्योंकि अब हम एक शोहर के दो उम्मीदवार नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ वालदैन की मुश्तरका औलाद है। क्या बोलती रहती है, क्यों आर वेरी इरिटेटिंग? इरिटेटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? सुनो तो। अरे मम्मी, ए देखो, बाहर जो शादी हो रही है वो तो महज एक हादसाती शादी है। तुम तो जानते हो कि हम दोनों ने कार्ड तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो बाबा मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? हम जिस लड़की से भी कहें ना उससे शादी कर लेना, ठीक है? प्लीज बेटा। बाहर होगी ना शादी, अब तो मेहमान आप लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे। प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए। बेटा बाहर जो शादी हो रही है वो तो महज एक हादसाती शादी है। ये मेहमान इस शादी के लिए यहां थोड़ी आए हैं, ये तो तुम्हारी शादी के लिए यहां आए। तुम तो जानते हो कि हम दोनों ने कार्ड तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो बाबा मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? जो हम कहेंगे वो मान जाओगे? पहले कभी कभी मैंने आप लोगों की कोई बात टाली है? तो बस फिर तुमने हमारी इज्जत रखनी है। हम जिस लड़की से भी कहें ना उससे शादी कर लेना, ठीक है? प्लीज बेटा। अरे ये क्या हो गया, अभी अभी तो मोहब्बत का काफिला लुटा है और फौरन ही शादी का चक्कर। चल बेटा जुनैद, चढ़ जा सूली। जी ठीक है। मैं जानता हूं कि हमारी शादी इमरजेंसी में हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, मैं कोशिश करूंगा उसे भुलाने की, दिल से निकालने की, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मोहब्बत तो मैंने उसे सच्ची की है। अभी कहाँ है वो?
छोड़ गई। और अगर वो वापस आ जाए तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। बेटे बहुत सॉरी आपको हमने डिस्टर्ब किया है। तुम पहले नहीं बता सकते थे कि तुम इतनी प्यारी सी लड़की से शादी करना चाहते थे? अगर मैं आप लोगों को बता भी देता तो आपने कौन सा मेरी शादी करवा देनी थी? आप तो वो अपने बरादर उनके दुख्तर की मोहब्बत में इतना महफ थी। खैर अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात याद रखना, मोना को हमने अपनी बहू नहीं बेटी बनाया है, इसलिए इसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि तुम मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकालते थे, अब मैं इतनी नींद में भी नहीं होती थी, और तुम्हारे अब्बा की अनारकली का किस्सा भी पता है। लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ।